नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छात्र आंदोलन करते हैं, छात्र आवाज़ उठाते हैं, ऐसे में एसटीईटी के भी छात्रों ने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। उनको लीड कर रहे थे अनिल नाम का एक छात्र है वो, और उन्हें धमकी आई, जान से मारने तक की धमकी फ़ोन पर दी गई, उन्हें गोली मारने की बात भी कही गई। तो इस तरह की जो धमकी है वो क्या दर्शाती है, क्या वो किस तरफ छात्र को बढ़ावा दे रही है? देखिए, ये इस तरह की जो धमकी कोई अगर दे रहा है तो ये सीधा सीधा है कि बौखलाहट में दे रहा है, बौखलाहट में दे रहा है, क्योंकि छात्र आंदोलन से अब सरकार डर रही है और इस तरह की धमकी दे के वो छात्र को उग्र कर रहा है। अगर किसी को धमकी इस तरह दिया जा रहा है, अगर उसके साथ कोई छात्र अगर गलत कर दे तो फिर उस समय छात्र दोषी तो नहीं होगा। तो इस तरह की धमकी देना बिल्कुल ही गलत है। लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है और एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों का जो भी आंदोलन हुआ है सभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है, चाहे वो मेरिट वाले अभ्यर्थी कर रहे हो या नॉन मेरिट वाले कर रहे हो, सभी लोगों का आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस ने ही लाठियाँ बरसाई है। तो किसी को धमकी देना जान से मार देने के लिए ये बहुत ही गलत है। इस पर तो जांच होना चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि भाई कौन इस तरह का धमकी दे रहा है, उस पर जांच होना चाहिए। उनके पास जो जिनका नाम आपने अनिल जी का बताया है, मैंने उनका देखा है कई बार, वो अच्छा बोलते हैं और वो अपना हक में लड़ रहे हैं, उनका हक है आंदोलन करने का, हर परीक्षार्थी का हक है, हर छात्र का, हर आम नागरिक का हक है। उनका संविधान का आर्टिकल 19 इजाज़त देता है, एकदम संविधान में मौलिक अधिकार में यह दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं। तो किसी को लगता है कि उनका आंदोलन गलत है या किसी का भी आंदोलन, तो आप कोर्ट जाइए ना भाई, या शिकायत कीजिए प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, कहीं तोड़फोड़ तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से किसी को जान से मारने की धमकी देना बिल्कुल ही गलत है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जांच इस पर करवाना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त सजा देनी चाहिए। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर से एसटीईटी के अभ्यर्थी अनिल सिंह पर जिस तरह से धमकी दिया गया फ़ोन पर और जिस तरह से उन्हें जान से मारने की बात कही गई, उस पर दिलीप कुमार ने साफ तौर से ये बात कहा कि ये गलत है और लोकतंत्र में आंदोलन करना संवैधानिक हक है और अगर कोई संवैधानिक हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनी बात सामने रख रहा है, कोई अपनी जो एक्सप्रेस करने की उसकी स्वतंत्रता है वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों के लिए अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो ऐसे में अगर धमकी मिल रही है तो ये गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ों से लोगों में निगेटिव यानी नकारात्मक सोच जाती है और इससे कुछ भी गलत हो सकता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, छात्र ने